हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खुर्रम अब्बास। अब हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोटीन ख़त्म किया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा और वाटर। आज लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये रहा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से मुराद है कम्बिनेशन ऑफ 2 मेजर मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाएं तो उनकी कम्बिनेशन को हम लोग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। 4 हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। ज़रा देखिएगा ग्लाइकोलिपिड क्या है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस लिपिड। ग्लूकोज और लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में अगर बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड तो उससे मिलने से बनता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज प्लस लिपिड। मैं आपको बताऊं इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है और इसकी एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं सेरिब्रोसाइट। ये रहा सवाल, ये पैदा होता है सर ये सेरिब्रोसाइट कहते किसको हैं। सेरिब्रोसाइट लफ्ज निकला है सेरिब्रम से। ये रहा सर व्हाट डज सेरिब्रम मीन। सेरिब्रम का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आप सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। मैं सेरिब्रम की डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बनती है। ये रहा सेरिब्रम, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स। सेरिब्रम के अंदर एक नहीं, सेरिब्रम के अंदर दो नहीं, तीन चीज़ें होती हैं। एक सेरिब्रम के अंदर होता है स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूरॉन। एक सेरिब्रम के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोक्लिया, और एक सेरिब्रम के अंदर स्ट्रक्चर होता है जो सेरिब्रम की अहम चीज़ कहलाती है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव मटेरियल। ये रहा अब ज़रा एक नोट कीजिएगा, ये जो न्यूरॉन है ये हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। न्यूरोग्लिया कम्युनिकेट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से, यानी न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। और एक कनेक्टिव टिश्यू का मटेरियल होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और उस मैकेनिकल उस कनेक्टिव टिश्यू या उस कनेक्टिव मैट्रिक्स का नाम है, हम उसे कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स। ये रहा तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि ये सेरिब्रोसाइट क्या है, तो सेरिब्रोसाइट असल में कनेक्टिव टिश्यू का मटेरियल है जो ब्रेन में पाया जाता है और ये ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मटेरियल। तो कनेक्टिव टिश्यू मटेरियल का मतलब होता है ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हेल्प करता है। ये रहा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, और वो कैसे हेल्प करता है, वो सेरिब्रोसाइट से हेल्प करता है। तो सेरिब्रोसाइट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रम विच सपोर्ट ब्रेन। मैं आगे चलता हूँ सर, ये तो सेरिब्रोसाइट तो हो गई एनिमल ओरिजिन, व्हाट अबाउट द प्लांट ओरिजिन। अगर हम प्लांट ओरिजिन की बात करते हैं तो जी हाँ, ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बनी होती है ग्लाइकोलिपिड से, और इसके अलावा जो न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स लीफ होते हैं, जो न्यूली फॉर्म फ्रूट्स होते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड उनकी एक्सटर्नल सरफेस में पाया जाता है। तो सारी बातों को मैं समराइज करूंगा। तो कोई पूछे ग्लाइकोलिपिड क्या है, तो ग्लाइकोलिपिड की एक सेरिब्रोसाइट कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं एनिमल ओरिजिन और
एक जिसका नाम है प्लांट ओरिजिन। प्लांट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लांट के अंदर ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल एज यू नो इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स। मैं अपनी बात थोड़ी और आगे लेके चलता हूँ, बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोस प्लस प्रोटीन। ग्लूकोस और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है। सर ये कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन की बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं एग अल्बुमिन। एग अल्बुमिन वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ज़रा एक मिनट के लिए हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अगर हम चिक एम्ब्रियो का, अगर हम हैंस एग देखें, चिक एम्ब्रियो कह लें, या हम अगर बात करें हैंस एग की, तो ये एग में कहाँ पाया जाता है? ये रहा एग का स्ट्रक्चर। ये कहलाता है एग का, जिसको कहते हैं आउटर शेल, और इसका नाम है, इट इज नोन एज कैल्केरियस शेल बिकॉज इट इज मेड अप बाय कैल्शियम। फिर एक अंदर भी शेल आता है, ये कहलाता है इंटरनल शेल। ये रहा सर, और बताइएगा, यहाँ पर होता है एम्ब्रियो और ये कहलाता है यॉक सैक। ये रहा, ये दिस इज नोन एज यॉक सैक। और जो बाहर ये सफेदी है, दिस इज मेड अप बाय एग अल्बुमिन। ये रहा, एंड दिस एग अल्बुमिन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कहा जाता है कि इसके अंदर 4% प्रोटीन होती है और 96% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन की बेहतरीन एग्जाम्पल है एग अल्बुमिन। यहाँ पर चिक पाया जाता है एम्ब्रियो की फॉर्म में, जिसको नाम दिया जाता है आल्सो नोन एज ब्लास्टोडिस्क, आल्सो नोन एज जर्मिनल डिस्क। तो जो अंडा है उसकी बाहर वाले शेल का नाम है आउटर कैल्केरियस शेल, अंदर सफेदी का नाम है अल्बुमिन, एग अल्बुमिन, और ये कहलाता है इसका यॉक सैक। फिर आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन की बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसके एक तरफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड और इसकी दूसरी जानिब होता है प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन की बेहतरीन एग्जाम्पल है और उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स। जी हाँ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन्स। ये जो हिस्टोन्स हैं ये बेसिक नेचर के प्रोटीन हैं, बेसिक नेचर के। और ये ज़्यादातर कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑक्टामर्स। ऑक्टामर्स का मतलब होता है 8 अमाइनो एसिड। ये जो हिस्टोन्स हैं ये इट इज नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन्स के बारे में ये बात मशहूर है कि हिस्टोन्स डीएनए और आरएनए के अंदर कॉइल किया हुआ होता है। और वो कैसे कॉइल किया होता है ज़रा देखिएगा, ये रहा हिस्टोन का मॉलिक्यूल, दिस इज हिस्टोन्स मॉलिक्यूल। और जो डीएनए है वो इसके ऊपर ओवरलैप किया होता है। ये रहा, जो डीएनए है वो इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप किया होता है। और याद रखिएगा, ये जो मैंने अंदर का स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स। ये जो मैंने अंदर का स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स, जिसके ऊपर पूरा का पूरा डीएनए कॉइल किया होता है। अब याद रखिएगा, एक हिस्टोन्स के ऊपर कम से कम 200 न्यूक्लियोटाइड्स जितना डीएनए ओवरलैप किया होता है।
तो कोई आज के बाद आपसे पूछे हिस्टोन्स क्या है, ये लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम से मुराद है इट इज द कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज द कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए एंड न्यूक्लियो प्रोटीन इज द कम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन्स। ये रहा तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एक नई चार है। एक का नाम ग्लाइकोलिपिड है जिसकी एग्जांपल सेरेब्रोसाइट थी, ग्लाइकोप्रोटीन जिसकी एग्जांपल एग अल्बुमिन है, न्यूक्लियोप्रोटीन जिसकी एग्जांपल कौन सी है हिस्टोन्स, और साथ में लाइपोप्रोटीन। थोड़ा लाइपोप्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइपोप्रोटीन इज अ कम्बिनेशन ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल। लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल की अगर कम्बिनेशन करें तो बनता है लाइपोप्रोटीन। सर ये लाइपोप्रोटीन किस तरह से बनता है ज़रा बताइएगा। लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट इन द माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन। आप सारे स्टूडेंट को मालूम है ये होता है न्यूरॉन की शेप, ये न्यूरॉन की शेप है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके कहलाते हैं डेंड्राइट। ये न्यूरॉन का कहलाता है डेंड्राइट, ये न्यूरॉन का कहलाता है इट इज नोन एज सेल बॉडी, ये न्यूरॉन का कहलाता है एक्सॉन और इसको कहते हैं न्यूरॉन का टर्मिनल नोब्स या टर्मिनल बटन्स। और इन न्यूरॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, ये इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोटेक्टिंग कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीट, जिसने होल न्यूरॉन को कवर किया होता है। अब सवाल ये पैदा होता है माइलिन शीट आता कहाँ से। माइलिन शीट इज सिक्रेटेड आउट बाय श्वान सेल्स, ये रहे। और श्वान सेल्स इट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सेल ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन के ऊपर होते हैं। और ये जो माइलिन शीट है इसके बारे में मशहूर है इट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ से नर्व इम्पल्स पास नहीं हो सकती। इसके अलावा दे आर आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। आपको लाइपोप्रोटीन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी मिलेगी। और एक लाइपोप्रोटीन की अगर आपने कंसेप्ट पढ़ना है तो एक कहलाता है लाइपोप्रोटीन का जिसको हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ज़रा सुनिएगा मैं आपको इसके बारे में आइडिया देता हूँ कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में क्या फ़र्क है। एक्चुअली हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है ज़रा एक मिनट गौर से सुनिएगा। ये है जिसको कहते हैं स्टमक और ये होता है इंटेस्टाइन। ये रहा हम जो मील इंटेक करते हैं, ये देखें हम जो मील इंटेक करते हैं, जो हम फूड का खाते हैं उसके अंदर हो सकता है हो कोलेस्ट्रॉल, हो सकता है उसके अंदर हो फ्री फैटी एसिड्स। अब वो फ्री फैटी एसिड ब्लड से एब्जॉर्ब होकर इधर आ जाते हैं। ये दिस फ्री फैटी एसिड्स
एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड के प्लाज्मा का हिस्सा बन जाते हैं। अब होगा क्या, अब होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्री फैटी एसिड का ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। वो फ्री फैटी एसिड को HDL ट्रांसपोर्ट करके, वो फ्री फैटी एसिड को HDL ट्रांसपोर्ट करके वो किसके अंदर स्टोर करता है, वो स्टोर करता है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोई पूछे LDL का HDL क्या करता है, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड है इनको ट्रांसपोर्ट करके लीवर के अंदर क्या करता है बेटा, वो डिपॉजिट करता है। अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फ्री फैटी एसिड की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम बात करें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की, ये देखिएगा ये रहा लीवर, ये रहा लीवर, और हो सकता है कि टिश्यू का ये पार्ट हो सकता है डैमेज हुआ हो, ये हो सकता है बॉडी के अंदर टिश्यू का ये पार्ट डैमेज हुआ हो, एंड दिस देयर दिस टिश्यू रीजनरेशन रिक्वायर, और इस पार्ट को चाहिए कि फ्री फैटी एसिड। तो अब किस तरह से इसका सिलसिला चलेगा, जो लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में जो फ्री फैटी एसिड था, जो लीवर के अंदर एडिपोस टिश्यू की फॉर्म के अंदर जो फ्री फैटी एसिड था, ये जो LDL है ये यहाँ से लीवर से निकाल कर इन फ्री फैटी एसिड को ले आता है ब्लड में, और ब्लड के प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट करके इस फ्री फैटी एसिड को वो टिश्यू में लेके जाता है। अब अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज़्यादा खतरनाक है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो आज के बाद सारे स्टूडेंट याद रखना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन ब्लड। अब आप मुझे बताएं, जब ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो दे मे लीड्स टू हार्ट अटैक, सो हार्ट अटैक। सो ये बात याद रखिएगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फ्री फैटी एसिड को ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। कैसे, उस फ्री फैटी एसिड को लीवर में डिपॉजिट करवा कर, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लीवर से फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज करवा कर वो एंटर करता है ब्लड में, ताकि ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, और अगर ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया तो दे कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। तो आज हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े चार, एक जिसका नाम है ग्लाइकोलिपिड, उसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल है, नंबर वन सेरिब्रोसाइड एनिमल ओरिजिन, जो कहाँ पाई जाती है सेरिब्रम में, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन ब्रेन, और इसका नाम सेरिब्रम है। सेरिब्रम में तीन चीज़ें आती हैं, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया और कनेक्टिव टिश्यू। न्यूरॉन वो है जो नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूरोग्लिया जो सपोर्ट करते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू मटेरियल कौन सा है, सेरिब्रोसाइट। इसके अलावा प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, तो वो एग अल्बुमिन मिसाल है, एग अल्बुमिन अंडे की सफ़ेदी को कहते हैं, और वो आउटर शेल कैल्शियम से बना है, ये यॉक सैक कहलाता है, यॉक सैक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन, और इस सफ़ेदी का नाम एग अल्बुमिन है। यहाँ पर एक छोटा सा यूँ समझ लीजिए गैप होता है,
एयर सैक या एयर स्पेस, जहाँ से गैसेस की एक्सचेंज आसानी से हो। फिर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, एग्जांपल कौन सी है? हिस्टोन। हिस्टोन बेसिक नेचर की होती है। हिस्टोन के अंदर 8 अमीनो एसिड की चेन होती है और ये वो हिस्टोन है जिसके ऊपर डीएनए ओवरलैप करता है, जिसके अंदर डीएनए कॉइल करता है और यूं कह लीजिए कि ये डीएनए के मॉलिक्यूल को सपोर्ट करता है। 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं सिंगल वन डीएनए जो ओवरलैप करता है हिस्टोन्स के ऊपर। ये देखिएगा 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक हिस्टोन के ऊपर ओवरलैप करते हैं। हिस्टोन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, उनको हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। फिर लाइपोप्रोटीन माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन के ऊपर होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में ये पाया जाता है। और इसके अलावा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी ये कहलाते हैं, हम इनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा, ट्रांसपोर्टर ऑफ प्रोटीन। एक कहलाती है हाई डेंसिटी, एक कहलाती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इस तरीके से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर खत्म हुआ। हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम्स के नाम से।